नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। राम जन्मभूमि मार्गदर्शक मंडल के सदस्य विष्णु हरि डालमिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने अपने गोल्फ लिंक स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। डालमिया को पिछले महीने ही अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिने जाने वाले डालमिया 91 साल के थे। बता दें कि 13 जनवरी को ही उन्हें अस्पताल से घर लाया गया था। डालमिया का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। बता दें कि राम जन्मभूमि आंदोलन में विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल एवं आचार्य गिरिराज किशोर के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विष्णु हरि डालमिया का जन्म 6 मई 1924 में हुआ था। वो लंबे समय तक मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान के प्रबंधन न्यासी भी रहे। बता दें कि गायों और दरिद्र नारायण की सेवा में जीवन पर्यंत उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया था। बता दें कि विष्णु हरि डालमिया जाने माने उद्योगपति होने के साथ साथ हिंदूवादी नेता भी थे। वो 1992 से 2005 तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे थे। 1985 में जब राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना की गई थी तो इन्हें इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया था। विष्णु हरि डालमिया जब राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब इनके पुत्र संजय डालमिया समाजवादी पार्टी से सांसद थे। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी ढांचा ढहाए जाने के बाद उन्हें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।